मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। महिलाओं ने एक महिला के चरित्र पर सवाल उठाए हैं और महिला ने गली के लड़कों पर लगाया छेड़छाड़ का आरोप। लड़कों ने बताया कि इल्ज़ाम गलत है। इस मामले में हमने महिलाएं और लड़कों से बात की है, साथ ही जिस महिला पर चरित्रहीन होने का आरोप लग रहा है उस महिला से भी बात की है। इस खबर में हम आपको सुनाएंगे। मुमरा रेलवे स्टेशन के पास मुमरा देवी रोड रजा गली में नदीम अपार्टमेंट के दूसरे मंजिले पर रहने वाली रेहाना खान का आरोप है कि इमारत के नीचे गली के लड़के रिजवान, लेफ्टी बड्डे, मुनीर, इब्रीस, इरफान, जमील, अज्जू रात के समय कैरम खेलते हैं और गाली गलौज करते हैं। महिला ने ये भी आरोप लगाया कि ये लोग नशा करते हैं और उसके साथ छेड़छाड़ भी करते हैं, जबकि इन लड़कों ने बताया है कि वो कैरम सबील के पास खेलते हैं और नशा नहीं करते हैं। और इस रेहाना नामक महिला का घर इमारत की दूसरी तरफ है, तो कैसे इसके साथ छेड़छाड़ करेंगे और इनकी आवाज़ गाली गलौज की उसके घर तक कैसे पहुंचेगी? और हमने कभी भी गाली गलौज नहीं की है और ना ही उस महिला के साथ कभी छेड़छाड़ की है। एक बात और आपको बता दें कि मुमरा देवी रजा गली में ये रेहाना नामक महिला अकेली है और दूसरी तरफ गली की महिलाएं हैं और लड़के हैं। और आज मुमरा पुलिस स्टेशन में दोनों तरफ के लोग एक दूसरे पर शिकायत दर्ज कराने के लिए पहुंचे थे। रेहाना जिस महिला ने लड़कों पर आरोप लगाई है वो पहले से ही इन लड़कों के खिलाफ मुमरा पुलिस स्टेशन में अर्जी दे चुकी है। गली की शिकायतकर्ता महिलाओं और उन लड़कों ने रेहाना खान के चरित्र पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि इमारत में इस महिला के घर रात में लोगों का आना जाना होता है, जो कभी इस महिला के घर के बजाय इमारत में रहने वाले किसी और के घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं। साथ ही ये भी कहा कि गली में अक्सर बाइक खड़ी रहती है, अगर उसके बाइक पर कोई बच्चा बैठ जाता है तो ये महिला गाली देती है। लड़कों और महिलाओं का कहना है कि लगभग 3 साल पहले रेहाना खान के भाई नुमान ने नदीम अपार्टमेंट में रहने वाले किसी बच्चे के साथ अश्लील हरकत की थी और उस वक्त वो पकड़ा गया था। उस वक्त उसके भाई नुमान को गली से भगा दिया गया था, मगर उसी तरह के एक और मामले में नुमान गिरफ्तार हुआ है। नदीम अपार्टमेंट में रहने वाली महिलाओं और गली के दूसरी इमारतों की महिलाओं ने और लड़कों का कहना है, रेहाना अपने भाई के मामले को लेकर सब पर ठसन उठा रही है और सब पर झूठे आरोप लगा रही है। वहीं रेहाना का कहना है कि मेरे साथ ये लोग गाली गलौज करते हैं और छेड़खानी भी करते हैं। हमने नदीम अपार्टमेंट में रहने वाली महिलाएं और स्थानीय महिलाओं सहित उन लड़कों पर, जिन लड़कों पर ये महिला आरोप लगा रही है, उनसे भी बात की है। सुनिए सबसे पहले कि उन लड़कों ने और महिलाओं ने क्या कहा है, क्या हुआ था ये पूरा मामला और कहाँ रहते हैं आप लोग, और जिस महिला ने कंप्लेंट की है यहाँ पर किस वजह से की है और क्यों की? हाँ सर, मैं मुमरा देवी पटेल स्कूल के पास नदीम बिल्डिंग के पास रहती हूँ सर। ये हमारे मेरे हस्बैंड को जितने भी सब लड़के लोग खड़े रहते हैं वो लोग के ऊपर चर्च का केस लगाती है, चर्सी है लोग, ये लोग है, वो लोग है, गाली गलौज करती है सर। और ऐसा कुछ भी नहीं है सर, अभिलाल तो ये एक नंबर की फालतू है, एक नंबर की सर। ये इसको पकड़ के मारने का, इसके नाम से केस करने का हम लोग को बहुत बड़ा। क्यों ऐसा क्यों की उसने, क्या कुछ वजह बताई? क्योंकि मेरे लड़के के साथ में इसके भाई ने गलत काम किया था, इसके वजह से इसके भाई के नाम के हम लोग ने कंप्लेंट डाले थे। इस वजह से वो उसकी भाई की ठसन हम लोग के हस्बैंड से और सब जितने भी एरिया के जितने भी लड़के लोग हैं सब वो लोग से निकालती है सर। कितने दिन पहले? आज ये 3 साल पहले की बात है सर। तो अभी फिलहाल में क्या हुआ है, जो आप लोग पुलिस स्टेशन में आए तो अभी फिलहाल में क्या हुआ? अभी फिलहाल में ये सर रात में 100 नंबर पे फोन लगाती है और सब पुलिस लोग आते हैं, जितने भी जेंट्स लोग बैठे रहते हैं वो लोग को बोलती है यहाँ पे सब चरस लोग बैठे हैं, चरस पीते है, मेरे को छेड़ते है, मेरे को गाली गलौज करते, मेरे खिड़की के पास देखते है, सब सिर्फ यही सब झूठा झूठा बोलती है सर। कितने लड़कों पर वो आरोप लगा? हम लोग के एरिया में जितने भी लड़के लोग बैठे है ना सब जन है सर, और उनमें से 4-5 जन है वो लोग के सब, वो लोग यहीं पे खड़े हैं सब लड़के लोग। 15-10 कितने लड़कों? 15 जन है, 15 जन है सर। क्या वो बोल क्या रही है? वो यही उसका बोलने का मतलब यही है कि ना हमारे घर के हमारे आदमी लोग, हमारे भाई बहन जो भी है ना सब फालतू है और ये अकेली अच्छी है।
इसका बोलने का मतलब यह है कि मैं बहुत अच्छी हूँ, बाकी सब खराब है। मेरे आदमी के नाम पे 3 साल पहले कंप्लेंट करी थी, पिछले 2 रमजान पहले की बात है ये, कि उसने हमारे आदमी पे मेरे भाई के नाम पे कंप्लेंट करी थी कि इन लोग ने इसके घर में घुस के मारे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। हम लोग ने यहाँ पर आके कंप्लेंट लिखाए थे, लेकिन हम लोग का कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, बल्कि इसके तरफ से बोला गया था और हमारे मेरे आदमी पे और मेरे भाई पे चैप्टर केस का फाइल लोग ने लगाए थे। आज मेरी मम्मी उसकी वजह से आज 2 साल से मेरी मम्मी भटक रही है यहाँ वहाँ, क्योंकि डर गई है वो, क्योंकि भाई उनका एक ही बेटा है। इसके वजह से 17 बेटे और 17 आदमी नहीं पालती है मेरी माँ, अकेली बेटी के लेके रहती है, लेकिन उसको वो देखे नहीं गया, क्योंकि हम माँ बेटी बाजू बाजू में रहते थे। उसको ये भी चीज़ की जलन थी कि हमारे घर में आना जाना होता है लोगों का, तो उसको बहुत तकलीफ होती थी, जिस वजह से हम अपना घर छोड़ दिए, मेरी मम्मी ने छोड़ दिया, लेकिन हमारी मजबूरी है जिसकी वजह से हमको वहीं रहना पड़ रहा है। और इसका बोलने का मतलब है तुम सब चले जाओ, मैं अकेली अच्छी रहूंगी। अरे ये खुद ही फालतू औरत है, इसके घर में रात में गैर मर्द आते हैं, इसलिए ये हमारी बिल्डिंग के लड़कों को नीचे बैठने नहीं दे रही है, ताकि ये बिल्डिंग के बच्चे नीचे बैठेंगे तो गैर मर्द इसके घर में नहीं आएंगे, इस वजह से हमारे बच्चों पर इल्जाम लगा रही है। अभी से ये काम नहीं है, इसका आदमी जब जिंदा था ना, जब से इसका ये काम कर रही है। इसका आदमी गोवा में रहता था, वो गोवा से औरतें सप्लाई करता था, लड़कियों को भेजता था, और इन लोग के घर में सब धंधे होते थे, चरस वरस का सब ये इसके घर से होता था, लेकिन हम लोग ने पकड़े। हाँ, इसका घर भी कितने बार ठोका गया है, और इसके घर में जो गैर मर्द आते हैं वो गलती से दूसरों के भी घरों को दरवाजे रात में ठोकते। हमारे घर में जान जवान बेटियां हैं, हमारा साथ ही नहीं देते पुलिस, जान जवान लड़कियां हैं हमारे घर में आधी रात को। आप लोग अगर ये बात कह रहे हैं कि दूसरे के घर को जो है आदमी लोग आके आवाज देते ठोकते हैं, तो उस समय फिर आप लोग क्यों नहीं पुलिस स्टेशन आए कि हमारे वहाँ ऐसा ऐसा काम हो रहा है, ऐसा पुलिस स्टेशन में आप लोग शिकायत लेकर क्यों नहीं आए? कोई भी आदमी अगर पी पा के आएगा तो हम अपना दरवाजा कैसा खोलेंगे, और अगर हम यहाँ पर आते भी हैं तो कोई ये मैटर पे सारे लड़के, ये हम लोग उनकी माँ बहने सब खड़ी है, अपने अपने धंधे छोड़ कर यहाँ पर आ रहे रोज पुलिस वाले, कल आओ, तो इन लोग अपने धंधे पानी छोड़ के इनके भी तो घर का गुजारा करना है ना, यहाँ पे हम लोग की बातें ही नहीं सुनते। तो आप बोलते हो कि उस वक्त जब दरवाजा ठोके थे तो आना चाहिए था, तो यहाँ पे वही है, कल आओ, ऐसा लगता है कि वो औरत अकेली है। आए थे आप लोग, आए थे पुलिस, तो ये चीजें होती है यहाँ पे, देखो इनके भाई के साथ में हुआ, हाँ खुद का घर छोड़ के इन लोग भाड़े, ये लोग ने अपना घर छोड़ के भाड़े से चले गए इसके संताप की वजह से। नहीं, ये हमारे लड़के कब तक ऐसे ही आएंगे काम धंधे छोड़ के, इनका घर का खर्चा कौन चलाएंगे? हमारे आदमी, हमारे बच्चे, हमारे सपोर्ट करने के लिए तो ये लोग नीचे बैठते, तो हमारी आधी रात को हेल्प भी होती है। इसको क्या, ये तो छड़ी छाट है, मुंह उठाई चली गई, काम धंधे से आते, थोड़ा रिलैक्स करने अगर नीचे बैठ गए तो इसको क्या प्रॉब्लम है? तू विंडो की तरफ, तेरा घर भी नहीं है, कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे लड़कियों को गाली देती, और लड़के बैठे तो सेफ्टी है ना हमारे एरिया की, तो घर में नहीं बैठेंगे तो क्या बाहर इसके घर में जाके बैठना? हमारे एरिया के लड़के घर खरीदे तो अपने एरिया में नहीं बैठेंगे? बेवजह किसी को भी ऐसे गाली देना, और सर एक्चुअली ना ये साइको औरत है, इसका दिमाग मेंटल है ना ये खराब है, इसका दिमाग है ना खराब है, समझे? मारेंगे, खत्म हो गई बात। अभी फिलहाल आप लोग बता रहे हैं तो यहाँ पर उसके वो शिकायत दर्ज कराने आई है, तो आप लोग भी यहाँ पर शिकायत दर्ज कराने के लिए पहुँचे थे, तो क्या पुलिस आप लोगों की शिकायत ली या नहीं? पुलिस है ना, पुलिस फुल सपोर्ट उन लोग का कर रही है उसका, क्योंकि वो अकेली औरत है, तो अकेली औरत होने का मतलब ये नहीं होता है कि इतने लोग जो पागल है जो अपना काम धंधा छोड़ छोड़ के यहाँ पर आते करके यहाँ पे आए ना, हम लोग घर आते छुट्टी करके खाना पकाना छोड़ के बच्चे छोड़ के यहाँ पर आए, हाँ तो भी हमारी कोई सुनवाई नहीं है क्या? हम सीसी कैमरा लगा इंतजार करें सीसी कैमरे का? बूढ़े को भी नहीं छोड़ती है ना, लड़कियों को छोड़ती है ना, बच्चों को छोड़ती है, लेडीज से भी झगड़ा होता है तो आदमियों को, लेडीज से झगड़ा होता है ना तो घर के है ना लड़कों और आदमियों के ऊपर है ना वो चैप्टर लगाती है कि मेरे आंग पे हाथ डालो उसने, हालांकि वो टाइम पे कोई रहता नहीं, मैं उसके सामने रहती हूँ। सिर्फ एक ही मुद्दा है, ये औरत हमको एरिया में नहीं चाहिए,
ये औरत जाएगी तो ही हमारे लड़के भी सेफ है। कम से कम सुकून से लोग काम धंधे पे जाएंगे। अगर कोई बात करने जाएगा तो बोलेंगे इसके लड़के, ये आदमी ने मेरे ऊपर हाथ डाला, ये मेरे आंग पे आया, ऐसा करके वो आदमी लोग को फंसाती है। जीना हराम करिए, अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? और ये जो महिला आप लोगों पर आरोप लगा रही है कि आप लोग नशा करते हैं और यहाँ पर जो कैरम खेलते हैं और उस महिला के साथ आप लोग छेड़छाड़ करते हैं, पहली बात तो मसला ये है कि ये पूरे मुमरा देवी में लोगों को मालूम है कि यहाँ नशा बंद करने में हम सबसे आगे है, तो ये जो लेडीज़ है ना वो ज़बरदस्ती करती है। एक्चुअली नशे का धंधा तो मुझे लगता है कि वो खुद ही करती है, और हम लोग यहाँ काम पे से थक के आते हैं बैठते हैं तो थोड़ा उसको बुरा लगता है क्योंकि उसके आने जाने वाले ग्राहक लगता रुकते हैं, इसीलिए उसने हम लोगों पे आरोप लगाई है। बाकी हमको देख के ऐसा लगता है कि हम नशा करते हैं, नशा करने वाले मेडिकल टेस्ट करवा लो तो आइडिया आ जाती है सबको जी। और तो महिला का घर जो है देखा जा रहा है, आप लोग यहाँ कैरम खेलते हैं और महिला का घर वहाँ पर दूसरी तरफ में है, तो आखिर उसका कहना है कि आते जाते वक्त जो है ऐसे छेड़छाड़ की जो है हरकतें उसके साथ होती है, आप लोग गाली गलौज जो है उसको देखकर करते हैं। पहली बात तो ये ऐसी है कि वो 100 नंबर पर फ़ोन करके ये बुलाती है कि यहाँ पे चर्सी लोग बैठे हैं, और जब पुलिस आती है इधर पे देखती है तो यहाँ पे रहते नहीं है, उसकी खिड़की पीछे साइड है, वो हमेशा दादागिरी करती है यहाँ पे। आप तो म्यूनसिपालिटी के वॉचमैन को भी बुलाए कि जब उसने उसको बाइक हटाने के लिए बोला जबकि वो कैमरे के सामने खड़ी है, तो वो उससे भी दादागिरी करती है। अगर हम उसकी बाइक को तकलीफ देंगे तो हम वो कैमरे में नोट नहीं होगा, हर तरीके से वो हम लोग अरेस्ट करती है। उसके भाई ने पॉस्को केस किया था जब उसके औरंगजेब भाई को बोलने पर हम लोग ने उसको छोड़ दिए थे, वो चीज़ की ठसन वो हमारे से निकालती है, और ये बिल्डिंग को लेके एरिया को लेके हर जगह पे वो तकलीफ सीन क्रिएट करती है। अब चौकी में भी गए थे तो उसके भाई लोग जो उसके जो है ना वो भी दादागिरी पे ही उतर के आए, क्या बोले कि जो करने का हम लोग कर लेंगे देख लेंगे, और जो सब दादागिरी ही करते। अब इतने जान है इधर खड़े हुए, इससे भी पूछ लो, आपने वो सरकारी ऑफिसर और टीचर है उनसे भी पूछ लो कि कौन यहाँ पे दादागिरी करता है। कौन कह रहा है कि जो उसकी बाइक खड़ी रहती है उस बाइक पे आप लोग बैठते हैं जाके सीट वगैरह फाड़ देते हैं, उसके लिए जो उसके बाइक पे बैठते हैं ना उसके लिए वहाँ पे सामने कैमरा लगा हुआ है, आप बेझिझक जाके वो फुटेज निकाल सकते हो और उसमें देख सकते हो कि कौन उसकी बाइक पे बैठता है, कोई जाता है कि नहीं जाता है। जबकि बैठते हो तो माँ बहन की गाली देती है, अगर कोई छोटा बच्चा भी वो गाड़ी पे बैठता है ना तो भी उसको नंगी खुली माँ बहन की गाली देती हो, जो मुंह में आता है उसके वो बिंदास बोलती, जरा भी शर्म हया उसको कुछ कोई चीज भी नहीं है। मतलब मेरा नाम सैयद रिजवान है, वो ऐसी गाली देंगी कि मैं इस वक्त आपको बोल भी नहीं सकता हूँ, सीधा ऐसी बोलती कि तेरी माँ की कमाई की गाड़ी है क्या जो तू उसके ऊपर बैठा है। ये एक औरत जात को शोभा देता है कि छोटे से 3 साल या 5 साल के बच्चे को इतनी नंगी खुली गाली देना, ऊपर से बोलेगी तेजाब फेंकूंगी। नहीं, एक्चुअली इसका प्रॉब्लम क्या है, 5 बार उसने पुलिस को यहाँ बुलाई है और 5ों बार सभी लड़कों को अलग अलग उसने निशाना बनाई है। पहले 5 लोगों का नाम लेती है, फिर 10 लोगों का लेती है, फिर पूरे एरिया वाले बोलती है। क्या कह रहा है कि जो यहाँ पर बैठे रहते हैं लोग वो लोग उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं, ऐसे कई लोग जितने लोगों का नाम उसने दिए बोले उनके साथीदार जो है वो सभी लोग छेड़छाड़। ये एरिया के अंदर ये दुकान है फरहान भाई, मसला ऐसा है कि हम लोग अगर छेड़छाड़ करते हैं तो आप थोड़ा कैमरा उधर घुमाइए, सारी एरिया की औरतें हमारे सपोर्ट में आके खड़ी है, वो ये कह रही है कि ये बच्चे लीगल लोग हैं और ये जो है जो औरत है वो इनलीगल है, और ये आप कैमरा घुमा के देखिए वहाँ पे लोगों को। हम लोगों का आज तक कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं है, हम लोगों का आज तक कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं है, कोई केस में हम लोग आज तक चौकी भी नहीं गए ना किसी पे कंप्लेंट हुई है। ये जबरदस्ती हम लोगों को अब मेंटली टॉर्चर कर रही है क्योंकि हम लोग इसके साथ कोई बातचीत करते नहीं, ये अपना आती है अपना जाती है, तो ये हर किसी से उलझने की कोशिश करके लफड़े झगड़े करने का फसाद करने की सोचती है। वही रेहाना इन सब बातों से इनकार कर रही है, उसका कहना है कि अगर ये इल्ज़ाम मुझ पर जो भी लगा रहा है वो इसका सबूत दे, सभी इल्ज़ामों को रेहाना ने गलत बताया है। सुनिए इस पूरे मामले में रेहाना का क्या कहना। आज पुलिस स्टेशन पर आई थी शिकायत लेकर, तो ये क्या पूरा मामला था और आरोप लगा रही हैं आप पर कि आप जो है उनके जो गली में जो लड़के बैठते हैं उन लोगों पर गलत तरीके से इल्ज़ाम लगा रही हैं, नशा करने का इल्ज़ाम लगा रही, छेड़छाड़ का आरोप लगा रही हैं, क्या है पूरा मामला? देखिए मैंने कुछ कोई आरोप नहीं लगाया उनके ऊपर, और मुझे मैं वहाँ पे अकेली रहती हूँ, मेरा घर है, मैं अकेली रहती हूँ और आज से नहीं रह रही हूँ, बहुत साल से रह रही हूँ वहाँ पे। ये लोग मुझे टॉर्चर कर रहे हैं और मैं कुछ बात बोलती हूँ ये लोग मुझे आते हैं ज़बरदस्ती झगड़ा लड़ाई करना, और उधर के ही लोग हैं ये लोग,
और यानी कि मेरे बिल्डिंग के नीचे के ही है और रहते वो लोग उस जगह नहीं रहते, वो लोग ऊपर रहते और आके मुझसे इधर झगड़े लड़ाई करते, मुझे देखते टोट करते, यानी कुछ गंदे गंदे कमेंट्स पास करते। मैं उस पर इंटरेस्टेड नहीं होती हूँ। मेरी गाड़ी पे, मेरी गाड़ी को लेकर के कुछ भी पीछे से ठोकना, कुछ भी करना, मुझे यानी तकलीफ़ देना, वो लोग हमेशा मुझे तकलीफ़ देने का सोचते, बट मैंने उनको कभी तकलीफ़ नहीं दिया है। और अभी भी दो दिन पहले, कल रात की बात है कि इन लोग मुझे देख के गाली गलौज करने लगे और गंदी गंदी बात की। उस वजह से मैं दूसरे दिन पुलिस स्टेशन आई और मैंने वो वीडियो मैंने पुलिस सर को दिया और सर को मैंने कहा इस वीडियो पे आप कार्रवाई करिए। तो वो वीडियो ले करके वो पुलिस मेरे घर के नीचे आए, वो वीडियो देख के उन लोगों को, यानी उन्होंने कहा कि 9:30 बजे तक आप सारे हैं मेरे पास चाहिए, 9 बजे तक जितने भी है। बट इन लोग ने क्या किया कि वहाँ से मोहल्ले से यानी 10 लोगों को और उधर से बुला के जमा किए और बोलने लगे कि यहाँ ये मुझे तकलीफ़ देती है। बट के जो मैंने वीडियो दिया उस पर एक्शन नहीं उठाया इन लोगों ने, वो बोलने लगे कि वहाँ से यानी और उधर से बुला के सबको जमा करके इकट्ठा मेरे खिलाफ़ दूसरी दूसरी बात बोलने लगे, जो मैंने वो सब किया नहीं है और आज तक मैं ये सब करती भी नहीं। और मेरे घर में जो आते हैं उल्टी सीधी बात है, ये सब गलत बात है, ये सब झूठ। और इन औरतों को मैं जानती भी नहीं हूँ, ये कहाँ से आई हुई है। ये मेरा कहना है कि हम लोग का घर यहीं पे है और हम लोग यहाँ अगर बाइक जो खड़ी रहती है उस पर वगैरह बैठे रहते हैं तो आप जो है गाली देते हैं, ऐसा कैमरा है, फुटेज है, वहाँ पे चेक करो, फुटेज है वहाँ पे। इतनी उन लोग कैरम खेलते, लड़कियों की इतनी गंदी गंदी बातें करते, फिर भी हम लोग एकदम नज़रअंदाज करके निकल जाते। हम लोगों को शर्म आती वहाँ रहने के लिए। मेरे पास फुटेज है, मैं आपको फुटेज दूंगी कितनी गंदी तरीके से वो लोग बात कर रहे थे, उठा उठा के कितनी गंदी गंदी तरीके से बात कर रहे थे। मैंने सर को बोला सर क्यों आखिर ऐसा आपको देखकर क्यों ऐसा क्योंकि हम लोग उधर वजह उसकी है, हम लोग मुँह नहीं लगते। क्योंकि मेरे पहले एक्चुअली क्या हुआ था, मेरा घर जहाँ है मैंने वहाँ पे सामने वाला मुझे छेड़छाड़ करता था, मैंने उसके कंप्लेंट करी थी 2016 में। तो उसको लेकर के वो नीचे आकर के बिल्डिंग के नीचे मुनीर बोल के बंदा उस मुनीर को चढ़ाता है और मेरे खिलाफ उसको उल्टा सीधा बात बोलता है कि ये करती वो करती। आप आके देखो मेरे घर में कोई नहीं आता, मेरे बच्चे के सिवा और कोई नहीं आता, और उल्टी सबको चढ़ाते हैं लोग कि ऐसा करती वो, ऐसी औरत है, ऐसी औरत है, ये सब सर झूठ है, ये सब इन लोग चढ़ाते हैं। ये लोग एक दूसरे महिलाओं का कहना है आप पर जो है, महिलाएं जो है वो गलत इल्ज़ाम लगा रही हैं कि आपके घर पे जो है रात के समय में दूसरे दूसरे लोग आते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि आपका दरवाज़ा ठोकने के बजाय वो लोग दूसरे का दरवाज़ा ठोक देते हैं। तो क्या ये बात सच है, आते हैं या नहीं आते? सब झूठ है, ये सब झूठ है। ये कहाँ की औरतें हमें, मुझे तो बिल्कुल नहीं मालूम। और ये सब ऊपर रहती है, मैं नहीं जानती इन लोगों को ये कौन लोग है। ये जो मैंने वीडियो बनाया है उन लोगों के लिए, उन लोगों को सेफ करने के लिए ये लोग आई है औरतें, और ये सब उनकी गैंग की है, ये मैं नहीं जानती कहाँ की। और मैंने सर को आकर के यहाँ बोला, सर से अलग बात की अभी हम लोग ने, और यहाँ अलग उन लोग ने कैमरे को यहाँ पे ये लोग ने ये दिया स्पीच, ये नहीं है, ये मैं नहीं जानती। ये अभी सर को अलग बात की है कि हाँ हम लोग मामला सट आउट कर रहे हैं, यानी 10 दिन 15 दिन तुम आप मैडम चुप रहो, ऐसा बोल रहे थे वो लोग। और बाहर आकर के उन लोग अलग बात बोल रहे हैं औरतों से। और जिस तरह से ये इल्ज़ाम आप पर लगाया जा रहा है, तो क्या ये इल्ज़ाम सही है या गलत है? मैं कोई यंग लड़की नहीं हूँ, मैं को 40 ईयर्स ओल्ड हूँ, मेरी एज हो गई है, मेरे बच्चे हैं जवान, मेरा बच्चा जॉब करता है, मैं ये सब नहीं करती। आपको चाहिए आप उधर इंक्वायरी करो कि मैं क्या करती हूँ, इंक्वायरी करो आप। वहाँ कोई इंक्वायरी नहीं होती है, खाली उनका डानर चलता है और वो लोग इधर तमाशा करते हैं, उधर का ये बनते कि हम लोग की ये है, सबको बुलाते इकट्ठा करते, वो यहाँ वो वहाँ पे ये चलता है और कुछ नहीं चलता है। औरतों की इधर उधर इज्जत नहीं है बिल्कुल भी। आपको देख के वो लड़के जो है गलत कमेंट पास करते हैं, छेड़म छाड़ करते हैं, तो इसके पीछे कुछ घटना कभी और पहले भी ऐसी कभी घटना और हुई थी? 2016 में मैंने बताया ना आपको, मेरे घर के सामने जो रहता था बंदा वो बड्डो बोल के, उसने किया था छेड़छाड़ का, मैंने आरोप लगाया था। मैंने इधर आके उसके ऊपर चैप्टर भी लगा, उसके ऊपर दो दो चैप्टर लगा, वो घर छोड़ के भी चला गया था। बिकॉज अब आके वहाँ रहने लगा है तो मेरे को देख के वहाँ लोग गंदी गंदी बातें करते, मुझे छेड़ते, मैं इग्नोर करती, माफ़ी मांगते मुझसे आ करके 10 बार कि आप माफ़ कर दो, आप माफ, मैं माफ़ कर देती हूँ, फिर भी इन लोग करते मेरे साथ में वही, और अभी भी वही किया इन लोगों ने। मैं अकेली औरत, मैं किसको क्या तकलीफ दूंगी? मैं उधर 2-3 लोगों को जानती हूँ और सब ऊपर के, सलमान पैलेस के, मैं मुनीर और बड्डो और जो भी नीचे के हैं वो क्या नाम है फिरोज़ वगैरह, उन लोगों को जानती हूँ और किसी को नहीं जानती। और पहले ये सब नहीं करते थे, ये अभी करने लगे। और तब के मुनीर ने बोला है, ये मुनीर आदमी है जो उसकी दुकान है सनशाइन के नीचे, उसकी दुकान है, ऑफिस है उसकी केबल की, वो ये सब कर रहा है, जानबूझ के करा रहा है। अभी आप पुलिस स्टेशन आई थी यहाँ पर, तो क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ पे अभी ये हुआ कि सर ने बोल दिया कि 10 दिन तक आप चुप रहो, यहाँ कुछ भी मत बात करो, यानी आप घर पे जा रहे हो सिलो, यानी आराम से रहो, आप कुछ भी मत बोलो, आखिर अगर आपको तकलीफ देते तो पुलिस स्टेशन में आके आप कार्रवाई करो, फिर मैं एक्शन लूँगा, ऐसा बोला।
और औरतों को तो मैं नहीं जानती वो कहाँ से आई हुई, बिल्कुल नहीं जानती। आपका काम है आप उधर इंक्वायरी करो। और मेरी गाड़ी को लॉस किया था तब के पवार सर के पास ये केस गया था मेरी गाड़ी का, पवार सर ने मांडवाली करके दिए थे कि ठीक है मैं अगर दोबारा कोई आएगा इधर से मारते हुए लेके जाऊँगा मुमरा देवी से, तभी भी उन लोग ने एक्सेप्ट किया था, ठीक है तभी भी उन लोग ने अपनी गलती माने थे, मैंने माफ़ कर दिया था वो टाइम भी। अभी दोबारा कर रहे लोग तीसरी बार चार हर टाइम यानी परेशान करते मुझे, टॉर्चर करते, अकेली औरत हूँ इसलिए परेशान करते ये लोग। बहरहाल ये लोग मुमरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने के लिए एक दूसरे के खिलाफ पहुंचे थे, मगर पुलिस ने किसी भी पक्ष का शिकायत दर्ज नहीं किया है, समझा बुझा कर मामले को शांत करा दिया गया है। अब बात ये है कि आखिर इन पूरे मामले में कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।